हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी छोटी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, उनका थीम था कि हम कुछ भी अपने बच्चों के लिए बनाएं जिससे वो फ्रूट या वेजिटेबल्स के डेकोर में उनको भेजना है स्कूल में। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं समझ में आया था, फिर मैंने ये खाली डब्बा लिया। ये इस तरीके से जो हम मॉल में जाते हैं, हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरी बैग्स मिलते हैं जो हम यूज तो होते नहीं, ये फेंक देते हैं। ये आप देख सकते हो। और इस तरीके से मैंने इस पे थोड़ा बहुत कलाकारी किया है। ये मैंने फ्रूट बास्केट बनाया है बेटी के लिए। ये कार्टून के तरह से मैंने बताने का कोशिश किया है। ये देखिए, ये ग्रेप्स है, ये मैंने खुद बनाया है और फिर मैंने और अपनी बेटी ने मिलकर के साथ में इसे कलरिंग किया है। ये देखिए, फिर ये एक चेरी है, बिल्कुल कार्टून के अंदाज में है। बाजू में ये ऑरेंज है और ये नीचे में ये स्ट्रॉबेरी है। और मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया है, ये एक फ्रूट बास्केट है जिसमें ये चार तरीके के फ्रूट्स अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को ऐसा फिगर देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और क्योंकि इनमें मैंने आंख, नाक और मुंह भी डेकोर में बनाया है, तो बच्चे को ये बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल कार्टून टाइप का लुक आ रहा है, ये आप देख सकते हो। और वो खाने में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, अगर वो उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर हम ये खाएंगे तो वो लोग इससे हेल्दी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये फ्रूट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने हाथ हिला करके और पैर हिला करके बोल रहे हैं, मुझे खाओ, मुझे खाओ, मैं तुम्हें हेल्दी बनाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छी ग्रोथ अवेलेबल करूंगा। तो ये मैंने एक छोटा सा बनाने का कोशिश किया है स्कूल के प्रोजेक्ट हिसाब से। सॉरी मैं आप लोगों को बनाना दिखा नहीं पाई। आगे से मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो ट्राई करूं कि जब मैं पेंटिंग कर रही हूं तो आपको दिखाऊं वो। और यहां पे पीछे में मैंने ये कुछ कोट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, हेल्दी फूड हेल्दी लाइफ, ईट बेटर फील बेटर। और ये बाजू में आप देख सकते हो छोटे छोटे गोल गोल बनाया, वो मेरी बेटी ने बना दिया है, उसे भी ड्राइंग करना था यहीं पे। फिर लिखा है बियर पाइनएप्पल स्टैंड टॉल वेयर अ क्राउन एंड बी स्वीट ऑन द इनसाइड। बाजू में फिर मेरी बेटी का कलरिंग है। और फिर एक पॉइंट दिया है आई लव फ्रूट्स। और इससे क्योंकि ये कैरी बैग में इस तरीके से हैंडल में आता है, इस तरह से हम सामान लेते हैं, तो इसमें मैंने एक ऊपर में रस्सी भी बांध दिया है उसके साइज अकॉर्डिंग, ये उसके गले में इस तरीके से हैंगिंग हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। और उसे सब सिखाने वाली हूँ किस तरीके से बेटा आपको बोलना है स्कूल में कि ये आप एक फ्रूट बास्केट हो जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल है। और इन्हें आप देख सकते हो, सारे बहुत ही जूसी है, बहुत ही यमी है वो सब। और उन्हें खाने से आप बिल्कुल स्ट्रांग, हेल्दी और बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखने लगोगे, आपको बहुत एनर्जी मिलेगा ये सब अगर खा लो तो। वैसे वो खाती नहीं है, वो अलग बात है, पर ये एक मम्मा का ट्राई है कि शायद उसके बच्चे ये सब देख करके शायद कुछ तो इंटरेस्ट ग्रो करे और वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना चालू करे। वैसे मेरी बेटी खाने में बहुत ही परेशानी करती है, तो ये एक शायद उस तरीके से कुछ उसे हेल्प करे कि चलो ये बहुत यमी दिख रहा है, मैं भी खाऊंगी और ऐसे ही मैं भी नाच पाऊंगी फ्रूट्स की तरह। तो वीडियो बहुत ही छोटा है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। ये मैं आपको दूर से दिखा दूं कैसा दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे हैंग करके रखा है, आप देख सकते हो छोटा सा है, मैं उसके गले में ये हैंग करने वाली हूँ। ये देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।